हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में टैली की शॉर्टकट कीज़ जानेंगे, जिनका यूज़ आप डेली में करते हैं। अगर आप टैली यूज़ करते हैं और आपको अपनी स्पीड को दोगुना करना है तो टैली की शॉर्टकट कीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वो सभी शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जिनका टैली के अंदर डेली बेसिस पे यूज़ होता है। पहले मैं आपको एक एक करके इसके शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल मैं आपको टैली में बताऊंगा यूज़ करके उनका यूज़ कैसे होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है इसे ऑल टू। ऑल टू का होता है आपका कि क्या काम होता है, डुप्लीकेट सिलेक्ट वाउचर। कोई भी आपने एंट्री करी है उसको डुप्लीकेट करने के लिए ऑल टू का प्रेस, ऑल टू का हम प्रेस करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टैली के अंदर, यहाँ में हमने एक, मैं आपको सेल वाउचर की डुप्लीकेट कर दिखा रहा हूँ। ये मैंने सेल वाउचर खोल रखा आर एस पेंट आर एस एंटरप्राइज का। अब मेरे को इसका डुप्लीकेट करना है, तो ऑल टू यहाँ से मैं प्रेस करूंगा। यहाँ पे डेट चेंज कर दूंगा, मान लो डेट चेंज कर रहा हूँ 2 अप्रैल, F2 करके यहाँ पर, और कंट्रोल ए करके मैंने इसे सेव कर दिया है। अभी देखिए मेरा बिल सेव हो चुका है, दूसरा बिल यहाँ पर डुप्लीकेट, यहाँ पर एक ये बिल था, ये दूसरा बिल हो गया, डुप्लीकेट मेरा बिल हो चुका है। इसमें आप एडिट करके कोई भी दूसरे चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड आपकी ऑल्ट ए, ये है एड अ न्यू वाउचर। इसमें हम न्यू वाउचर इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, आप टैली में जाइए, जैसे ये बिल है आपका, आपको यहाँ पे एक परचेज की एंट्री करनी है। यहाँ पर साइड में हमारी कीज होती है, वहाँ पर परचेज की एंट्री नहीं आ रही, या तो आप बाहर जाइए डायरेक्ट एक्सेप्ट करके, यहाँ से इस अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप परचेज की एंट्री पास करेंगे यहाँ से, या फिर डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ऑल्ट ए करके कैसे होगा। जैसे मेरा ये खुला हुआ है, ऑल्ट यहाँ पे प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसमें कोई भी फिर अपनी यूज कर सकते हैं, जैसे परचेज करना है तो आप परचेज के एंट्री डाल दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑल्ट आपके शॉर्टकट का यूज होता है इसका। फिर आता है आपका ऑल्ट सी, ये इसका यूज करता है कोई भी आपको लेजर बनाना होता है, मास्टर क्रिएट अ न्यू मास्टर एट अ वाउचर स्क्रीन, तो उसका हम ऑल्ट सी का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो आपको पार्टी नेम नहीं बनानी है, यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके मैं किसी भी पार्टी यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे उसके अंदर इसके अंदर इसका लेजर बना सकता हूँ। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट डी, आपको किसी भी वाउचर को जो आपने एंट्री करी है उसको डिलीट करना है, तो ऑल्ट डी प्रेस करके उसे हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने एक एंट्री यहाँ पे सेल की पास की थी ये वाली, मैं यहाँ पे ऑल्ट इसे सिलेक्ट यहाँ पे करके सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पेस बार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट डी प्रेस करके मैं इसे यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ये देखिए मेरी एंट्री डिलीट हो गई है। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट ई, ये आपका आता है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपने कोई बिल काटा है उसको आपको एक्सेल में या फिर किसी भी पीडीएफ में जिस भी फॉर्मेट में आप देना चाहते हो, ऑल्ट ई करके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैली में हम देखते हैं, जैसे इसे एंटर करा मैंने यहाँ पर, ये बिल है मेरा, मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ के अंदर, तो ऑल्ट ई यहाँ से प्रेस करूंगा मैं, बैक स्पेस दबाऊंगा। यहाँ पर देखो पीडीएफ में सिलेक्ट करना तो पीडीएफ में, एक्सेल में करना तो एक्सेल में, एक्सेल में मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, एंटर करके यहाँ पे इसे मैं सेव कर दूंगा, तो ये आपका एक्सेल में ये आपका बिल एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से बिल एक्सपोर्ट आपका एक्सेल में हो जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं आपका एक्सेल में बिल आ चुका है। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट एंटर, आपको किसी भी वाउचर को देखना है ये किसके हेड के अंदर है, तो उसके हम लिए ऑल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। जैसे टैली में हम जाएंगे, हमें चेक करना है आर एस एंटरप्राइजेज ये किस हेड में, तो कंट्रोल, तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर का मैं यूज़ करूंगा। कंट्रोल एंटर पे मैंने प्रेस किया है, ये मेरा दिख जाएगा, मेरे को ये आर एस एंटरप्राइज मेरा सेंट्री लेटर है किस एंटर के अंदर है। वैसे किसी भी वाउचर की डिटेल हम इसे कंट्रोल एंटर करके हम इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ओल्ट F1। ओल्ट F1 से आपका क्या होगा, यहाँ पर शट कंपनी हो जाएगी, जो आपने कंपनी खोली है वो बंद हो जाएगी। अगर सिंपल F1 कर रहे हो आप सिंपल, तो सिलेक्ट कंपनी, ऐसे आपको जो कंपनी खोलनी है F1 प्रेस करके आप उसे खोल सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी कंपनी खोलनी है वो आप कंपनी पे खोल लीजिएगा। ऑल्ट F1 करेंगे तो शट हो जाएगी वो कंपनी, ऐसे बंद हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट F2, चेंज द पीरियड, आपको पीरियड चेंज करना है, फाइनेंशियल कोई भी चेंज करना है, तो उसके लिए ऑल्ट F2 का प्रयोग करते हैं। अभी आपका एक 22 से एक 31 दिन तक का है, आपको यहाँ पर चाहिए एक 21 चाहिए और M22 चाहिए मार्च 22 तक का, तो आपका पीरियड आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा 21 से 22 तक का, उसके बीच की आप डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 आपका सिलेक्ट कंपनी के लिए होता है, जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हो उसे बिना बंद करे आप सिलेक्ट कंपनी दूसरी कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी को मैं बंद नहीं करना चाह रहा हूँ, दूसरी कंपनी खोलनी है मेरे को, यहाँ पे ऑल्ट F3 प्रेस करूंगा तो बाकी मैं कंपनी डिटेल यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को जिस जो भी कंपनी खोलनी है उसे मैं एंटर करके यहाँ पे इसे प्रेस करके इसे खोल सकता हूँ। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 हम यूज करते हैं ओपन द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप के लिए। फिर ऑल्ट F5 ओपन सेल ऑर्डर वाउचर टाइप के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ऑल्ट F6 का रिजेक्शन आउट वाउचर टाइप, जो जिसका रिजेक्शन करना वाउचर का उसे ऑल्ट F6 से। ऑल्ट F7 से ओपन द स्टॉक जर्नल वाउचर टाइप। ऑल्ट F8 से यहाँ पे ओपन द डिलीवरी नोट वाउचर टाइप। ऑल्ट F9 से ओपन द रिसिप्ट नोट और वाउचर टाइप।
जैसे मैंने येलो कलर में कर रखा है, इनका आपका डेली बेसिस में यूज है, बाकी एंट्रीज का आपका कभी कभी यूज होता है, मैंने यहाँ पे नोट्स में डाल दिया यहाँ पे, बाकी आपको यूज पड़े तो यहाँ से आप इनका चेक कर सकते हो। ऑल्ट आई आपका इंसर्ट है, न्यू वाउचर आपको इंसर्ट करना, न्यू वाउचर ऑल्ट आई से आप इसका यूज कर सकते हैं उसका। ऑल टाइम है, जैसे आपको कोई मेल करनी है आपको तो डायरेक्ट उसे ऑल टाइम करके कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैं मेल करके दिखाता हूँ आपको, मैं ये मैंने बिल काट रखा है एक बिल यहाँ पर, पहले मैं प्लेट चेंज कर लेता हूँ, ये 22 से मार्च 23 का यहाँ पर मेरे को बिल मेल करना है, तो ऑल्ट एम प्रेस करके यहाँ से मैं इसे मेल कर सकता हूँ। टैली से हम डायरेक्ट भी मेल कर सकते हैं। अभी फिलहाल टैली के अंदर मेल करने में कुछ चेंजेस आए हुए हैं, जो गूगल से सेटिंग होती है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं गूगल से कि टैली से मेल कैसे किया जाता है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट पी, प्रिंट द रिपोर्ट। आपको कोई भी बिल आपको प्रिंट करना है, फिर कोई लेजर प्रिंट करना है, वो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके ऑल्ट पी कर सकते हैं। जैसे आपको ये बिल प्रिंट करना है, मैं इसे ऑल्ट पी कर दूँ यहाँ पे एंटर करूंगा, ये प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं इसे, यहाँ से ये आप बिल आप इसका यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट आर, ये नरेशन, जब आप नरेशन में लिखते हैं कुछ वो आपको रिपीट करने के लिए दोबारा टाइप ना करना पड़े, तो वो ऑल्ट आर का वहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नरेशन यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पर नरेशन में लिख दिया है, मैंने लिख दिया है बिल नंबर 1, ऐसे करके लिख नरेशन में मैंने लिख दिया है, या फिर कुछ भी आपको जो टाइप करना है वो टाइप कीजिएगा, मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब मैं इस बिल को दोबारा अगर कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे ऑल टू करके मैंने कॉपी किया यहाँ पे कंट्रोल, या फिर कोई नई एंट्री पास करनी थी जैसे यहाँ पे तो लिखा आ गया, इसमें खाली कर दिया नरेशन, अब मेरे को दोबारा लिखना है तो मैं ऑल्ट आर यहाँ पे टाइप करूंगा, तो ऑलरेडी जो मैंने नरेशन पिछली बार में डाली थी वो इसमें भी नरेशन आ जाएगी मेरे यहाँ से। उसके बाद आपका ऑल्ट जेड, आपको प्रिंट प्रीव्यू में जब जूम करना होता है स्क्रीन को तो उसका ऑल्ट जेड का आप यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑल्ट पी मैंने किया प्रिंट करने के लिए, आप तो जूम पे क्लिक डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट जेड के साथ यहाँ पे ऐसे जूम कर सकते हैं, ऑल्ट जेड के साथ यहाँ पे जूम भी आ जाएगा। अगला आपका कंट्रोल ए, अगर आपने कोई भी एंट्री करी है, जैसे मान लो सपोज अपने सेल की एंट्री करी यहाँ पर, आपको बार बार वो चीज यहाँ पे मान लो ये कंट्रोल है, मैं आपको एक एंट्री नहीं करके आता हूँ, ऑल टू मैंने एंट्री करी यहाँ पे कॉपी करी, यहाँ पे इसी पार्टी को मैंने बिल काट दिया, अब यहाँ पर मैंने ये मेरा बिल है, जैसे मेरे को यहाँ पे इसमें डिटेल कुछ डालनी है, मैंने डिटेल यहाँ पे डाल दी, डिस्पैच थ्रू किसके जा रहा है, बाय रोड जा रहा है, अब मैं यहाँ पे एंटर एंटर करने की जगह मेरे को लास्ट मारने के लिए फिर कंट्रोल ए कर दो तो नेक्स्ट पेज पे पहुंच सकता हूँ। बिल को मेरे को सेव करना है, एंटर एंटर करो या फिर कंट्रोल ए कर दो तो आपका पूरा बिल ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल ऑल्ट सी, अगर टैली में आप कोई भी चीज़ कॉपी कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली तो हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो ऑल्ट सी से कॉपी होता है, अगर टैली में कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल ऑल्ट सी के साथ आपसे कॉपी करना होगा। सेम उसी तरीके से आप पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल ऑल्ट भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे को एक ये चीज़ कॉपी करनी है, ये आर एस एंट्री यहाँ पे करा ऑल्ट कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट सी के साथ मैंने इसे कॉपी कर लिया है, अब यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, मैं आपको पेस्ट कर दिखा रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट भी यहाँ पे मेरा पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। एंटर का तो आपको पता ही है, टैली के अंदर कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए चीज़ को यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करके हम उसे करते हैं, टैली में बाहर जाने के लिए हम इसे एक्सेप्ट एस्केप का यूज़ करते हैं, F1 का मैं आपको यूज़ बता चुका हूँ पहले सिलेक्ट कंपनी करने के लिए। अब ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके टैली के साइड में लिखे होते हैं स्क्रीन बोर्ड पर जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे F1 का है ओपन द टैली फीचर स्क्रीन, यहाँ पे टैली में जो फीचर होते हैं वो टैली में जितने भी आपको कोई भी चेंज करना है सेटिंग में वो F11 और F12 में दोनों में जाके चेंज होते हैं। F2 में हमें F2 का होता है हमारा शॉर्टकट की करंट डेट चेंज करनी होती है बिल की, सपोज हमने बिल हमारा ये कटा हुआ है, ये बिल कटा हुआ है, या मैं यहाँ पे बिल दिखाता हूँ आपको, मैंने खोल दिया ये बिल मेरे 1 अप्रैल का है, F2 से मैं यहाँ पे इसकी डेट चेंज कर सकता हूँ। F3 में आपको पहले बता चुका हूँ सिलेक्ट कंपनी के लिए है, F4 आपका है कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर कौन से होते हैं, जो आप बैंक में कैश जमा कराते हो या फिर बैंक से आप कैश निकालते हो, वो कॉन्ट्रा एंट्रीज के अंदर आते हैं, या एक ही कंपनी के 2-3 बैंक हैं उन बैंकों में आपस में ट्रांसफर हो रहा है पैसा तो कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आएंगे, तो F4 से आप सिंपल कॉन्ट्रा की एंट्री वो निकाल सकते हो। F5 से आपकी सारी जितनी पेमेंट्स की एंट्री होती है वो F5 के अंदर होती है, F5 करके आप पेमेंट के वाउचर निकाल सकते हो। वैसे भी एंट्री कहाँ निकलती है, आपकी अकाउंटिंग वाउचर में आप यहाँ से जाएंगे, इसे खोलेंगे, यहाँ से आप F4 से कॉन्ट्रा, एफ से F4 दबाएंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगा, F5 से आपकी पेमेंट की आ जाएगी, ठीक इसी तरीके से F6 के आपका रिसिप्ट आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या फिर किसी ने आपको कैश दिया है तो वो आपकी F6 में आ जाएगी। F7 से आप जर्नल, आपको कोई जर्नल बुक करना हो, जर्नल होता है जिसमें कैश बैंक दोनों चीज़ नहीं आती है, वो जर्नल होता है, तो F7 से आप जर्नल बुक कर सकते हैं। F7 आपका सेल, अगर आपको किसी को सेल काटनी है तो F8 दबा के आप उसको सेल का वाउचर निकाल सकते हैं।
अगर आपको किसी को क्रेडिट नोट देना है, जैसे मान लो आपने किसी को माल दिया था, वो माल आपका वापस आ गया, या फिर आपको उसमें रेट कम करना है, तो वो क्रेडिट नोट हो जाएगा आपका। तो आप उसे F8 कंट्रोल F8 के साथ आप एक निकाल सक कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से F9 आपका परचेज का होता है, आपको डेबिट नोट देना है जिसे परचेज रिटर्न करनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल F9 का आप यूज करेंगे। आप पेज डाउन और पेज अप का यूज वहां पर होता है, जैसे मान लो आपने टैली बिल काट रखा है, आपको नेक्स्ट बिल पे जाना है, तो आप पेज अप डाउन करके ऊपर नीचे आप डायरेक्ट में जा सकते हैं, एस्केप करने की जरूरत नहीं है। आप पेज अप डाउन करके जो भी कीबोर्ड पे होते हैं उन पे बटन दबा के आप अगले बिलों पे जा सकते हैं, अपनी एंट्री पे अगले एंट्री पे जा सकते हैं। स्पेस बटन का भी यूज करते हैं, जैसे मान लो आप बैंक रिकंसाइल करने की चीज की स्पेस से आप उस लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो एंट्री प्रेस कर रखी है, मेरे को यहाँ पे दिखाना है कौन सी एंट्री है। मान लो आपके यहाँ फिलहाल दो है, आप टैली में 100 हजारों एंट्री होती है, आपको सेलेक्ट करनी है कौन कौन सी एंट्री गलत है अलग है, तो आप इसे स्पेस दबा के हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए हाईलाइट इस तरीके से हो जाएगा, आप स्पेस दबा देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। ये आपकी बैंक रिकंसाइल में काफी हेल्प करती है चीजें। और कुछ शॉर्टकट की हमें डायरेक्ट टैली गेट ऑफ टैली भी मिल जाती है, जैसे हमें अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, तो यहाँ पर जो बोल्ड है आपका ये ए बोल्ड है, तो इसकी शॉर्टकट की ए है, अगर हम ए प्रेस करेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट उसमें आप जा सकते हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्री में आपका ये आई बोल्ड है, तो आई इसकी शॉर्टकट की है, अकाउंटिंग वाउचर में वी इसकी शॉर्टकट की है, इन्वेंट्री में आपका टी इसकी शॉर्टकट की है। आप इस तरीके से बैलेंस शीट में जाना था तो बी प्रेस कर दीजिए तो आप इसमें चले जाएंगे, पी एंड एल में पी, स्टॉक समरी में एच, रेशो में आर, डिस्प्ले में डी, तो इस तरीके से आप टैल जैसे डिस्प्ले में जाके भी अंदर शॉर्टकट है आपको, जैसे ट्रायल बैलेंस खोलना है इसका, ट्रायल बैलेंस की शॉर्टकट टी है, यहाँ पर डे बुक की डी है, तो इसी तरीके से आप ये शॉर्टकट के आंसर भी पता लगा सकते हैं। बाकी शॉर्टकट की आपकी यहाँ पर ऊपर लिखी होती है, ठीक इसी तरीके से आपकी साइड साइड में भी होती है। आपको जैसे अकाउंटिंग वाउचर में कोई एंट्री पास करनी है, सेल की, परचेज की, कोई भी जर्नल रिसिप्ट की, उनकी शॉर्टकट की आप यहाँ से पता कर सकते हैं आप। और बाकी शॉर्टकट की मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से शॉर्टकट की वहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर टैली अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं।